अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने पर किसानों में रोष, हटाने हेतु सांकेतिक धरना देकर सौंपा कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन, नहीं माने तो सांसदों का करेंगे घेरा। भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, इससे प्याज उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र की किसान विरोधी नीति से किसान परेशान हैं। भारतीय किसान संघ की मांग है कि जो निर्यात शुल्क एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसे तुरंत वापस लिया जावे। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत अध्यक्ष रामप्रसाद सूर्या ने कहा कि प्याज की कीमत कम करने की नीयत से केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे प्याज के भाव मंडियों में गिर रहे हैं। अभी थोक में 10 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। इस बार मार्च अप्रैल में बारिश से कई किसानों की प्याज खराब हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। किसान पिछले 3 वर्षों से प्याज की फसल में नुकसान उठाता आ रहा है। यदि केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती है तो प्याज निर्यात पर लगाई गई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को तुरंत हटाया जावे, अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय किसान संघ सभी सांसद का घेराव करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष हुकुमचंद पटेल, जिला मंत्री शेखर पटेल, युवा किसान वाहिनी जिला संयोजक राकेश जाट, टिंकू पाटीदार, संजय जलोदिया, ईश्वर लाल चौधरी, राजमल चौधरी, प्रेम कारपेंटर, केदार चौधरी कारपेंटर, कपिल फड़ाक, राजेंद्र पटेल, ओम पटेल, जितेन पटेल, अनुराग धाकड़ आदि किसान उपस्थित थे। 19 तारीख को जो प्याज पर केंद्र सरकार द्वारा निर्यात शुल्क लगाया गया है, उसके विरोध में हम आ गए, क्योंकि प्याज का लगातार प्याज उत्पादक किसान 3 साल से घाटा उठाते आए हैं, और अभी कुछ आस जगी थी कि उनको उसका लागत मूल्य मिल जाएगा, परंतु सरकार किसान विरोधी इस निर्णय कारण किसानों में भारी आक्रोश को देखते हुए हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग रखी गई है आपके द्वारा? हमारे द्वारा मांग ये रखी गई है कि जो निर्यात शुल्क इन्होंने 40% लगाया, उसको तुरंत हटाया जाए, नहीं तो हम सभी सांसदों का घेराव करेंगे। अच्छा, आपने प्याज खराब होने की बात भी कही, कुछ पानी लगने से? गर्मी में जो पानी गिरा था, पकी पकाई जो फसल खेतों में पड़ी थी उस पर पानी गिर गया था, उस समय भी हमने आवाज़ उठाई थी कि किसानों की फसल खराब हो रही है, उस पर मुआवजा दिया जाए, पर संबंधित विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा भी ये बताया गया है फसल में कोई नुकसान नहीं है, अब वो देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन आपकी मांगते हैं तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम सांसद का घेराव करेंगे। आपका परिचय? घेराव करेंगे। आपका परिचय? हुकुमचंद पटेल, जिला अध्यक्ष वाली।